स्टूडेंट्स टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए जो हमारा ये क्वेश्चन है, चेक वेदर द पॉइंट्स 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है कि जो 5, -2, 6, 4 और 7, -2 ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये क्या है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं। ठीक है, ये तीनों ही। ठीक है, तो देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल होने के लिए कंडीशन क्या होती है। देखिए कोई भी ट्राइंगल आपका बनता है, मैं सारे ही केसेस में बता देता हूं। देखिए जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है वो आपका टू साइड्स के इक्वलिटी से बनता है, यानी कि किसी ट्राइंगल में अगर टू साइड्स अगर इक्वल हो जाती तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। थ्री साइड्स अगर इक्वल होती तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है। थ्री साइड्स के इक्वल होने से इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है। ठीक है, अच्छा, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल कब बनता है, जब आपका टू शॉर्ट साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के इक्वल होता है, यानी कि टू साइड्स के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के स्क्वायर के अगर इक्वल होता है तो बनता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल कब बनता है, जब आपकी टू साइड्स इक्वल भी हो और दोनों के स्क्वायर का सम थर्ड साइड के इक्वल हो। ठीक है, तब बनता है आपका क्या, तब आपका बनता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। और आपका स्केलन ट्राइंगल कब बनता है, स्केलन ट्राइंगल तब बनता है जिसकी कोई साइड इक्वल नहीं होती है, तो वो ट्राइंगल आपका स्केलन ट्राइंगल होता है। तो जब भी हम इस टाइप का क्वेश्चन जब करेंगे तो स्केलन ट्राइंगल अगर होगा तो उसमें क्या होगा, कोई भी साइड आपकी इक्वल नहीं होगी, नो मोर साइड्स विल बी इक्वल। ठीक है, कोई भी साइड उसमें इक्वल नहीं होगी। तो देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल इसको प्रूव करना है तो एनी टू साइड्स विल बी इक्वल। ठीक है, यानी कि इस ट्राइंगल में क्या होंगी, कोई दो साइड्स क्या होंगी, इक्वल आएंगी। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूव करना है यहां पर। अब हम क्या करेंगे, अब हम साइड्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ए और बी को मिला करके साइड बनेगी क्या, ए बी। ठीक है, तो ए बी साइड अगर मैं निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट, और ये आपका हो जाएगा 6 -5 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट और ये 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो ए बी आपको क्या मिल जाएगा, अंडर रूट 1 + 36। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, अंडर रूट 37 यूनिट्स। ठीक है, ओके और बीसी मैं निकाल लेता हूं, बीसी मैं निकालूंगा तो ये क्या होगा, बीसी आपका ये देखिए, ये आपका 7 - 6 का होल स्क्वायर, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस और ये -2 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बीसी इज इक्वल टू अंडर रूट में ये आपका हो गया 1 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, बीसी इज इक्वल टू अंडर रूट और ये 1 + क्या हो जाएगा, 36। ठीक है, तो ये आपका BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 37 यूनिट्स। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, BC आ गया। ओके, तो आपका क्या हो, अब क्या निकालना होगा, अब हमें CA निकालना होगा, थर्ड साइड निकालनी होगी, तो CA क्या हो जाएगा, अंडर रूट में और ये आपका क्या हो जाएगा, अब देखिए दो साइड्स इक्वल आ गए यहाँ पर, ए बी और बी सी साइड्स इक्वल आ गए। अब ये हमारे लिए कुछ भी आ जाए इससे मैटर नहीं करता है, अगर ये भी अंडर रूट 37 आएगी तो इक्विलेटरल हो जाएगा, लेकिन ये अंडर रूट 37 नहीं आएगी, कुछ और आएगी, लेकिन अब ये कुछ भी आए, अब ये हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव हो चुका है। ठीक है, लेकिन हम थर्ड साइड भी निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सी ए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस और ये -2 + 2। देखिए यहां पर भी -2 है और यहां पर भी -2 है, तो -2 से -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। देखिए -2 है
और यहां पर माइनस टू है, बीच में माइनस का साइन आता है बट दो माइनस की वजह से क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो ये आपका सी ए इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, और ये तो आपका जीरो हो गया, तो जीरो हो गया तो ये आपका टू स्क्वायर बचेगा, तो ये आपका सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू यूनिट्स। ठीक है, तो अब हम यहां पर हम लिख लेते हैं, सिंस टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी कैसा है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, अब मैं इसकी जरा पिक्चर में बना देता हूं, तो देखिए इसको अगर हम बनाएंगे तो ये आपका क्या है, देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका सी ए। ठीक है, ये आपका एक साइड हमने एक पॉइंट हमने ऐसे ले लिया, ये आपका क्या है, ये आपका पॉइंट ए है, पॉइंट ए है, और ये आपका 5, -2 है, 5, -2 है, ओके। और ये पॉइंट सी, पॉइंट सी आपका क्या है, 7, -2 है। ठीक है, और जो आपका थर्ड पॉइंट है बी, ठीक है, थर्ड पॉइंट बी है, ये आपका क्या है, ये आपका 6, 4 है। ठीक है, बस इसको मिला देंगे आपस में, ओके। और इसको मिलाने के बाद हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों साइड्स क्या हो गई, ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई, तो ये आपका क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन के शुरुआत में भी हम इसको हम बना सकते थे, हम इसका फिगर बना सकते थे, लेकिन अगर मान लो अगर मैं ऐसा कर देता कि अगर मैं फिगर बनाता और फिगर बनाते समय मैं ए बी और ए सी, भाई ट्राइंगल इस तरीके से भी बन सकता है ना, ट्राइंगल ऐसे भी तो बन सकता है, ए बी सी, अब कहने को ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, लेकिन ये यहां पर इस क्वेश्चन से जो हमें पिक्चर क्रिएट हुई है उस पिक्चर के साथ मैच नहीं कर पा रहा है, तो इसको हमने कैलकुलेशन के बाद हमने बनाया है, तो हम इसके नतीजे पर हम पहुंचे हैं कि देखिए ये पॉइंट ए यहां होगा, पॉइंट सी यहां होगा। अब देखिए इसकी एग्जैक्ट पिक्चर तो आपको कार्टेशियन प्लेन में मिल पाएगी, और ये पॉइंट आपका बी होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम क्या करें कि हमने पॉइंट ए यहां ले लिया और पॉइंट बी पॉइंट सी यहां ले रहे हैं, तो ये फिगर हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये फिगर गलत हो जाता अगर हम इसको बिना कैलकुलेशन के बना, इसलिए मैंने क्या किया कि पहले साइड्स कैलकुलेट कर ली, फिर इसमें मैंने ट्रायंगल को बना लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, आपको क्या करना था, आपको इस क्वेश्चन में बस खाली कैलकुलेशन के थ्रू आपको दिखाना था कि ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, इसमें आपको फिगर को बनाने की भी इसमें जरूरत नहीं है, आपका जो कैलकुलेशन पार्ट है बस यही आपका इंपॉर्टेंट है, और इसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए।